हेलो दोस्तों, आई एम सार्थक, फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट एट आईटी बॉम्बे एंड वेलकम टू बियॉन्ड लिमिट्स। तो आज हम स्क्रैच से जानेंगे कि व्हाट इज द कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉर बिटसेट 2021, इंक्लूडिंग द क्वेश्चंस लाइक कि क्या मुझे एग्जाम देना चाहिए या नहीं, एंड अगर दे रहा हूँ तो विच आर द बुक्स जिसे मैं एज अ रेफरेंस यूज करना है, एंड व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी दैट आई शुड फॉलो टू सिक्योर अ वेरी गुड स्कोर इन बिटसेट। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं। हो सकता है दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, तो एंड तक जरूर देखना पूरी स्ट्रैटेजी जानने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो कमिंग ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन कि हमें एग्जाम देना चाहिए या नहीं, तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी हमें बिल्कुल देना चाहिए, बिकॉज हमेशा हमें हमारे ऑप्शंस तो ओपन रखने ही है, एंड एज अ बैकअप बिट्स काफ़ी अच्छा प्रूफ हुआ है इन हिस्ट्री एज वेल। तो एंड कई बार बच्चों को एक डाउट रहता है कि बिट्स की फीस काफ़ी ज़्यादा है, तो दोस्तों ऐसा रहता है कि लोन्स काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं, एंड इफ़ यू आर एनरोलिंग इनटू सीएससी और इलेक्ट्रिकल ब्रांच तो ये आप रीपे भी बहुत आसानी से कर दोगे। तो एज अ बैकअप एग्जाम के लिए तो हम बिल्कुल अपियर हो। सो मूविंग अहेड, अब हम एग्जाम को समझने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों बिटसेट के पेपर में आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे, एंड यू वुड बी हैविंग 180 मिनट्स, मतलब लेस देन अ मिनट एक क्वेश्चन के लिए आपको दिया जाएगा। एंड ये 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश एंड मेंटल एबिलिटी। इंग्लिश और मेंटल एबिलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं, एंड इंग्लिश भी लाइक आपका 10th लेवल का आता है, सो वो इतनी ज़्यादा पेन की कोई बात होती नहीं है। लुकिंग एट द मार्किंग स्कीम, वो होती है +3 एंड -1, जो कि थोड़ी एडवर्स है बिकॉज आपके इसमें नेगेटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नाउ लुकिंग एट द पैटर्न ऑफ द पेपर, सो इसका लेवल जेई मेन से भी कम होता है, एंड क्वेश्चन की क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण एग्जाम की डिमांड ये है कि आपको सारे टॉपिक्स आने चाहिए, भले वो एनसीईआरटी लेवल पे आते हों, भले आपने सिर्फ उनके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर रही हो, तब भी आप बिटसेट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड वन मोर पॉइंट इज कि आप 150 क्वेश्चन अगर पूरे अटेम्प्ट कर लेते हो, देन 12 बोनस क्वेश्चंस ओपन होते हैं आपके लिए, अगर आपने पूरे 150 क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट कर लिए हैं। सो बच्चों कहीं ना कहीं एक डाउट रहता है कि भैया मेरे को वो 12 बोनस क्वेश्चंस के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि मैंने वो 12 बोनस क्वेश्चन अनलॉक किए थे, तो इसके लिए ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके 140 या 145 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए एंड यू हैव लाइक अराउंड 20-15 मिनट्स अवेलेबल विथ यू, तो देन आप वो बचे हुए 5-10 क्वेश्चंस में तुक्के मार दो एंड वो 12 क्वेश्चंस को अनलॉक कर लो। और बच्चों को अगेन एक डाउट रहता है कि क्या वो 12 क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा टफ रहते हैं, तो दोस्तों सेम लेवल रहता है और कई बार तो वो उनसे भी ज़्यादा ईजी रहते हैं, तो ठीक है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये बात बहुत ध्यान से समझ के रखना है कि हमें वो 12 क्वेश्चंस जब भी अनलॉक करने हैं जब हम 140 या 145 जितना अटेम्प्ट कर चुके हों पेपर, नहीं तो हमें लालच में आके और हमारा जैसे 120 या 125 ही अटेम्प्ट हुआ है एंड हम बाकी के 25-30 क्वेश्चन में तुक्के मार के सिर्फ वो 12 क्वेश्चंस खोल रहे हैं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो दोस्तों यहाँ से 2 ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, एक जो बिट सैट पे फोकस कर रहे हैं एंड दूसरे जो जेई पे फोकस कर रहे हैं। तो हमें किस तरह समझ आएगा कि हमें बिट्स के लिए प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है, इसके लिए चीज़ है बहुत सिंपल है। अगर आपको लग रहा है पहले 2 अटेम्प्ट देने के बाद जेई मेंस के कि मेरा जेई मेन में इतना अच्छा स्कोर नहीं है एंड काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं मेरी जिनकी इतने लेवल पे प्रैक्टिस नहीं है, तो श्योरली यू शुड टारगेट बिट्स, क्योंकि इसमें आप 1 या 2 महीने की प्रिपरेशन में भी बहुत अच्छा स्कोर बोर्ड पे लगा सकते हो। एंड फॉर अदर ग्रुप ऑफ पीपल, दोज़ आर एमिंग जेई एडवांस और जेई मेन्स, तो आप एग्ज़ाम के 15 दिन पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, एंड इन दोज 15 डेज ट्राई कि आप एटलीस्ट 10 मॉक पेपर्स दे लो, बिकॉज बिट्स में आपका मॉक पेपर्स के थ्रू स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा, बिकॉज हियर यू नीड टू कीप अ सिंक ऑन योर एक्यूरेसी एंड स्पीड। तो मॉक पेपर्स देने से आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में एंड आपको कितनी स्पीड हर सेक्शन में मेंटेन करके रखनी है।
एंड नाउ मूविंग अहेड टू बुक्स की जो हम बिट्स के लिए सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक अरिहंत की बुक है जो कि आपको एक कंप्लीट गाइड दे देगी. इसमें हर चैप्टर के थोड़ी समरी है एंड कुछ क्वेश्चंस हैं, एंड यू हैव विद इट लाइक 5 सैम्पल पेपर्स एज वेल. तो कहीं ना कहीं मुझे ये बुक अच्छी लगी थी, एंड यू हैव सम अदर बुक्स जिनमें आपको सिर्फ सैम्पल पेपर्स भी मिल जाएंगे, एंड अगर आपको लगता है आपको थियोरी की ज़रूरत नहीं है तो बुक्स को रेफ़र करिए अगर आप एकदम बिट्स की तरफ फोकस कर रहे हैं. एंड कुछ मिथ्स होते हैं यार कि भाई जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिट्स तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी, तो इन सब पे ध्यान मत दो बिकॉज दोनों एग्ज़ाम अलग है तो दोनों की प्रिपरेशन भी अलग होगी. बिट्स की डिमांड होती है स्पीड और एक्यूरेसी को बहुत ज़्यादा सिंक करके चलाना. वहीं अगर हम जेई एडवांस को देखें तो आपके अगर स्पीड कम भी है तब भी आप अपनी एक्यूरेसी के दम पे जे एडवांस में बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो. तो दोस्तों एग्ज़ाम्स अलग ही हैं तो हमें इन सारे मिथ्स के बारे में नहीं सोचना है और हमारी प्रिपरेशन को अलाइंड रखना. तो दिस वाज ऑल आई नीड टू से अबाउट बिट्स. आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी आपकी बिट सैट की प्रिपरेशन में. और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर कर देना. तो खूब पढ़ते रहो यार और मचा दो.